हाय गाइज, वेलकम टू SSV एजुकेशन। जैसा आप देख रहे हैं, रिटर्न मनी प्रिंटिंग मशीन, मनी प्रिंटिंग स्ट्रेटजी, पैसा छापने का मंत्र। तो ये सही में रियल है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। इस स्ट्रेटजी को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनिए, देखिए। ये विथ एग्जांपल आपको बताऊंगा इसको, फ्लैग पैटर्न रेक्टेंगल कैसा बनता है और कैसा काम करता है, कितना दमदार रिटर्न देता है, वो आप इसमें देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्लीज रीड डिस्क्लेमर बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। जब भी मार्केट में, आपको थोड़ा सा चीज एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जब भी मार्केट एक रेंज में ऐसा कंसोलिडेट करता है, रेंज में कंसोलिडेट करते रहता है, वो इधर कोई ट्रेंड, ये इधर से ट्रेंड बनाते हुए आता है या इधर से ट्रेंड बना के चल रहा होता है, फिर वो एक जगह कंसोलिडेट करता है। ठीक है, अब ये कंसोलिडेशन के बाद वो ब्रेकआउट देगा, तो ब्रेकआउट इधर इस साइड देगा या इस साइड देगा, बट वो ब्रेकआउट काफ़ी शानदार रहेगा और इसका जो आपको रिटर्न्स रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। सो ये रेक्टेंगल पैटर्न जैसा ऐसा एक चैनल में चलता है, उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल पैटर्न आपको देखना है ट्रेड करते समय, ऐसा रेक्टेंगल बन रहा है तो उसको आपको देखना है। इसी रेक्टेंगल को आप ऐसा डंडा लगा देंगे तो ये हो गया फ्लैग। सो फ्लैग पैटर्न और रेक्टेंगल्स कोई एक ट्रेंड पकड़ के चल रहा होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये एक आप ट्रेंड, स्ट्रांग ट्रेंड बना लिया, उसके बाद एक कंसोलिडेट किया, बट ट्रेंड पकड़ के कंसोलिडेट करके ज़्यादा फॉल नहीं दिया, शार्प फॉल भी नहीं गया, और ये अपना कंसोलिडेट करते रह गए। और इसमें दूसरा खासियत ये रहता है, जब कंसोलिडेट करता है तो वॉल्यूम जो रहता है धीरे धीरे धीरे, ये वॉल्यूम जो है धीरे धीरे स्लोली कम कम होते रहता है, तो वॉल्यूम कम रहेगा, एब्सोल्युटली कम रहेगा, और जब ब्रेकआउट देगा तो विथ हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट देगा। तो यह वॉल्यूम भी दिखाया है, ये वॉल्यूम आप देख सकते हैं, वॉल्यूम है ये, वॉल्यूम के बाद अगेन ये ब्रेकआउट दे दे, देखिए ब्रेकआउट तो कितना स्ट्रांग ब्रेकआउट है। सो ऐसा आपको लाइव ट्रेड में ऐसे पैटर्न ढूंढना है, इसमें आपको डेली ट्रेड करने का ज़रूरत नहीं। डेली आप सर्च कीजिए, जिसमें इस टाइप का पैटर्न बन रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करके उसको ब्रेकआउट को ऑब्जर्व करिए, मार्क करके रखिए, और उसके बाद आप ट्रेडिंग का डिसीजन लीजिए। ट्रेडिंग कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फ्लैग बन रहा है और आप ट्रेड ले लिया तो गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा आगे चलिए, अभी मैं आपके सामने ये एग्जांपल्स प्रोड्यूस किए हैं, नीचे बीच में ब्लैंक स्पेस भी छोड़ा हूँ। ये चार्ट है, ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, ये बजाज फाइनेंस का डेली चार्ट है। आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे फ्लैग बना हुआ है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे फिर से फ्लैग बना हुआ है, फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ पे फिर फ्लैग बन गया, इसके बाद देखिए ब्रेकआउट कहाँ से कहाँ। सो अब बजाज फाइनेंस का चार्ट देखिए, आपको डेफिनेटली ये बजाज फाइनेंस का चार्ट काफ़ी दिन से स्ट्रांग मूवमेंट लेके फिर बाद में कंसोलिडेट हो रहा था, फिर मूवमेंट ले लिया, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर मूवमेंट लिया, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर मूवमेंट। सो ऐसा फेज फेज में
बजाज फाइनेंस का आप चार्ट जाके देखिए कितना दमदार चार्ट है, आप ऑब्जर्व कीजिए कितना फ्लैग इसमें बने हैं, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा फ्लैग का इम्पोर्टेंस। और जब फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है, देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम को भी आप ऑब्जर्व कीजिए, चार्ट को आप अच्छे से देखिए। ये वीडियो देखने के वीडियो ख़त्म होने के बाद एक बार चार्ट ओपन कीजिए, बजाज फाइनेंस का लाइव चार्ट है इधर, ये दूसरा चार्ट मैंने प्रोड्यूस किया है आपके लिए, ये भी लाइव चार्ट है, ये अभी है ये मारुति का चार्ट है, ये देखिए फ्लैग बना है, ये देखिए फिर से ये अगेन ये फ्लैग फॉर्मेशन के स्टेज में। अभी इसमें आप मारुति में ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर ब्रेकआउट दे देगा तो बहुत अच्छा रिटर्न देगा। मारुति में अभी लाइव एक फ्लैग पैकेट पैटर्न ब्रेकआउट दे चुका है, सेकंड फ्लैग अभी बन रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऑब्जर्व कीजिए मारुति को, ये फ्लैग ब्रेकआउट दे दिया तो मारुति 10,000 टच करना लगभग तय लग रहा है। सो ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए मारुति को। ये डेली चार्ट है दोनों भी, बजाज फाइनेंस मारुति का, आप इसको इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं। इंट्राडे में जैसा आप इंट्राडे में इस टाइप का पैटर्न रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है तो उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, और जिस साइड में ब्रेकआउट देगा उस साइड में आपको ट्रेड लेना है, और स्टॉप लॉस नीचे वाला जैसे यहाँ पे दे दिया स्टॉप लॉस वहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट भी मैं आपके लिए इसलिए प्रोड्यूस कर रहा हूँ कि निफ्टी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पे निफ्टी का जो लोज आप ऑब्जर्व करेंगे सभी लोज, और ये इसका हाइज देखेंगे, सो दोनों में एक रेक्टेंगल काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है। अब थोड़ा इसको ऑब्जर्व करेंगे, ये इधर साइड ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी इसी में भी है, इधर जाएगा या इधर जाएगा। सो ये निफ्टी का चार्ट है और एक करंट लाइव चार्ट है अपना, तो इसको भी आपको ऑब्जर्व करना है। रेक्टेंगल तो है ही है, इसको भी एग्जैक्टली फ्लैग तो नहीं बना है, बट आप इसको फ्लैग टाइप पैटर्न बोल सकते हैं, या रेक्टेंगल इवन इस स्क्वायर, ये आइदर साइड ब्रेकआउट देने कुछ दिनों तक कंसोलिडेशन होने के बाद एक साइड में ब्रेकआउट देना तय है, तो ऑब्जर्व करना है विच डायरेक्शन ये ब्रेकआउट देता है। सो दोस्तों, इस टाइप के पैटर्न, इस टाइप का डिफरेंट स्ट्रेटेजीज से हम ट्रेड जनरेट करते हैं, प्राइस एक्शन से भी ट्रेड जनरेट करते हैं। सो आप हमारे थ्रू अगर ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको फ्रीली ट्रेड अपडेट्स हम दे देंगे, जिससे आपको काफ़ी दमदार कमाई कर सकते हैं। बहुत सारा अपडेट्स हम हमारा टेलीग्राम चैनल में देते रहते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारा लोगों को कमाई का अच्छे अच्छे मौके देते रहते हैं, वेबसाइट में भी उसके डिटेल्स अपडेटेड है, आप जाके मेरा वेबसाइट विजिट कीजिए, उसमें आपको सारी कुछ चीज़ें अपडेट्स मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल में टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहता है, तो टाइम टू टाइम अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आप हमारा प्रीमियम नंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको प्रीमियम मेंबर का डिटेल्स आपको बताया जाएगा। प्रीमियम मेंबर या हमारा क्लाइंट ज़ेरोधा अकाउंट ओपन करेंगे उनके लिए हम ये अपडेट्स देते रहेंगे, बिकॉज आप पैटर्न्स देखेंगे लेकिन आपको पैटर्न्स का एग्जैक्ट कब ब्रेकआउट देता है, क्या करता है, वो सब सारी चीज़ों के लिए काफ़ी जानकारी रहती है, वो जानकारी भी हम प्रोवाइड करेंगे। काफ़ी सारे एजुकेशनल अपडेट्स हमारे प्रीमियम मेंबर्स को मिलेंगे, सो जो भी इंटरेस्टेड होगा वो हमारा प्रीमियम मेंबर बनने के लिए प्लीज़ स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर करिए, शेयर करना ना भूलें, थैंक यू गाइज। और ये ज़रूर बताइए आपका वीडियो का फीडबैक, थैंक यू।